अभी आपको खबर दें, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन की टीम निजी सोसाइटी पहुंच गई है। ये खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर बस स्टैंड की अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है और इसी वजह से एंटी करप्शन की टीम गिरफ्तारी के लिए निजी सोसाइटी पहुंच गई है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का इम्कान और ज़राए एंटी करप्शन ये बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार पर बस स्टैंड की अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है और इस वजह से एंटी करप्शन की टीम गिरफ्तारी के लिए निजी सोसाइटी पहुंच गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, क्या तफसील है, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि साबिक वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो एंटी करप्शन लाहौर की टीम है वो मुतहरिक हो गई है और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके पास मौजूद है। और ज़राए का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार पर डीजी खान में बस स्टैंड की राजी पर कब्जे का जो है मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से एंटी करप्शन की टीम जो है वो पहुंची है और कोशिश ये की जा रही है कि उस्मान बुज़दार को किसी तरीके से आज गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्बास।